दोस्तों नमस्कार, मुकनायक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर। कल परसों शपथ ग्रहण समारोह संसद भवन में हुआ। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए थे, सांसद चुनकर आए थे, उनका शपथ ग्रहण समारोह था। और उसमें जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस है, विशेषकर कांग्रेस के लोग और विशेषकर राहुल गांधी जब शपथ लेने गए और उन्होंने संविधान की किताब, वो सभी के हाथों में थी, दरअसल संविधान की किताब ऊपर लेकर ऊपर दिखाकर वो शपथ ले रहे थे, उस समय बीजेपी के कई सांसद मोदी मोदी के नारे लगा रहे। ऐसा क्यों, मोदी मोदी के नारे क्यों लगाए जा रहे? विगत 10 साल से मोदी मोदी, चारों तरफ मोदी मोदी, मीडिया में भी मोदी मोदी, संसद में भी मोदी मोदी, चारों तरफ जहां भी जाएं, विदेश में भी जाते हैं वहां भी मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। तो ये व्यक्ति विशेष ऐसा क्यों? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान से और राष्ट्र से बड़े हो गए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राष्ट्र से बड़े हो गए? राष्ट्र छोटा हो गया? ये चापलूसी क्यों, ये चाटुकारिता क्यों? किसी व्यक्ति को इतना बड़ा इंपॉर्टेंस देना कहां तक उचित है, कहां तक वाजिब है? हर जगह मोदी मोदी, मीडिया में भी, न्यूज प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहां भी मोदी। यानी ये दिखाना क्या चाहते? क्या मोदी सर्वोपरि है? क्या मोदी महात्मा है? प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा होती है उसको सबसे बड़ी ठेस पहुंचाई जा रही है। आप किसी व्यक्ति को इतना बड़ा इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि वो कुछ भी कर बैठे और कुछ भी अनाप शनाप कर बैठे। और पिछले विगत यानी 10 साल से हम ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जितने भी डिसीजन लिए वो जनहित में नहीं है, लोगों के हितों के नहीं है। चारों तरफ महंगाई बढ़ गई, बेतहाशा महंगाई बढ़ गई, बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ गई। युवक जो है, इस देश का युवा पढ़ लिख कर भी अभी रोजगार के लिए भटक रहा है, कहीं भी नौकरियां नहीं, कहीं भी ऐसे संसाधन खड़े किए गए नहीं कि लोगों को नौकरियां मिले, लोगों को जीवन यापन का साधन मिले, रोजगार मिले। तो आखिर ऐसा क्यों, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं लोग इस देश? लोकतंत्र और संविधान और राष्ट्र से बढ़कर हो गए नरेंद्र मोदी। ये मोदी मोदी के नारे लगाने वाले, इनकी खुद की हैसियत नहीं है स्वयं चुनकर आने, खुद के बलबूते पर चुनकर आने। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलबूते पर चुनकर आते हैं, कितना बड़ा मजाक है ये इतना बड़ा मजाक इस देश में चल रहा है। और इस साल जो हो गया 2024 में क्या हुआ, 400 पार के नारे लगाए थे, 224 तक चले गए और उन्हें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का आधार लेकर अपनी सरकार बनाई। ये कहां तक चलेगा? इस देश की जनता को न्याय चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई कम करने के साधन चाहिए, कोई उपलब्धियां नहीं इस सरकार की। 5,500 लोग आज भी जेल में सड़ रहे जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे। कोई भी व्यक्ति जो आवाज उठाता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसे जेल में डाल दिया जाता है। 3-3 मुख्यमंत्री जेल में है, भी सड़ रहे, पत्रकार सड़ रहे, सामाजिक कार्यकर्ता सड़ रहे, बुद्धिजीवी लोग सड़ रहे।
ये जो तानाशाही है विगत 10 साल से लोग इस देश में झेल रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र कहाँ है, अगर ऐसा लोकतंत्र है तो फिर बोलने की आजादी क्यों नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी क्यों नहीं? अभिव्यक्ति की आजादी है तो फिर जो बोलते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हें जेल में क्यों ठूसा जाता? ये आखिर कब तक चलेगा? दोस्तों, इस अभी एक और कदम आपको उठाना है। अगर से ईवीएम नहीं होती, जो डाउट उसके ईवीएम पर है, तो ईवीएम अगर से नहीं होती तो इतने सांसद भी उनके चुनकर नहीं आते। और ये बात सही है, चारों तरफ चर्चा, चारों तरफ ऐसी बहस है कि भाई ईवीएम के बलबूते पर इतने लोग उनके चुनकर आए, इंडिया अलायंस के लोग चुनकर आने चाहिए थे उतने, 300 से ज़्यादा जाने चाहिए, लेकिन हर तरफ ऐसा माहौल बन गया था। एग्जिट पोल जो थे, एग्जिट पोल ने ऐसा माहौल तैयार किया था 400 पार का, जिससे लोग गुमराह हो गए, इस देश की जनता गुमराह हो गई। और फिर जो नतीजे आए उससे ये साबित हो गया कि फिर से वही हो गया, जहां इंडिया अलायंस की सरकार होनी चाहिए थी, कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको सोचना है और आगे भी कुछ करना है।